बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने कल फेयर वैल्यू थ्रू OCI शुरू किया था। अच्छा जी, एक दो सवाल आए हैं सर। एक बात पूछती हैं, जब क्वेश्चन में प्रीमियम और डिस्काउंट एक साथ आ जाए तो हमने फेयर वैल्यू निकालते हुए डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस क्यों नहीं किया? देखो हलीमा, मैंने कल भी ये बताया था कि अगर आपको एक सिक्योरिटी परचेज करनी है और आपने वो प्रीमियम पे परचेज की है, पहली बात तो ये है, इसमें फ़र्क करें रट्टा लगाए बगैर कि आपने खरीदते वक्त प्रीमियम दिया या डिस्काउंट मिला है। अगर आपने खरीदते वक्त प्रीमियम दिया है तो मतलब आपकी जेब से पैसा गया है ज़्यादा, वो उस वक्त ऐड हो जाएगा, और आपको आखिर में पैसे मिलेंगे कम, तो क्या वो आज अकाउंट फॉर होंगे या ओवर द पीरियड खुद हो जाएंगे? ओवर द पीरियड खुद हो जाएंगे, क्योंकि फेस वैल्यू का एक पोर्शन आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तो आप वो अमोर्टाइज कर देंगे। तो ये नहीं कहना कभी भी कि एक ही सवाल में एक ही दिन पे प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं हो सकता, या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक ही दिन के ऊपर अगर मैंने प्रीमियम पे किया है तो फ्यूचर में हो सकता है कि मेरी रिडेम्पशन या तो प्रीमियम पे होगी या डिस्काउंट पे होगी, तो ये फर्क है दोनों में, ये बात याद रखिएगा। हलीमा, क्लियर है? जल्दी बता दो। ओके, तहा कहते हैं सर, थ्रू PNL में डेट सिक्योरिटी क्विज में दे दिया, अभी तो वो पाई नहीं है। क्विज में इंटरेस्ट रेट को पर एनम नहीं कर सकते थे? पर एनम नहीं कर सकते थे मतलब सेमी एनुअली दिया था। अच्छा, अब बात समझिएगा भाई, सेमी एनुअली का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई आप, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई पर एनम 10% है, उस सवाल में कितना था? 12%। मैं कह रहा हूँ सालाना कितना मिलेगा? 12%। सालाना कितना मिलेगा? 12%, पर 6-6 महीने में करके, तो 6 महीने पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6%, और बकाया 6 महीने में 6%, कुल मिला के 12%। अब एक बच्चा ये कह रहा है कि सर हम उसको एनुअली नहीं कर सकते थे, बेवकूफ़ी है, गलत है। सुनिएगा, आगे लीज में तो और तुम्हें ये चीज़ें सीखनी है। भाई मुझे एक बात बताओ, हाँ वैसे दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आसान, मुझे एक बात बताओ, आपकी प्रिंसिपल की अमाउंट, प्रिंसिपल की अमाउंट कब कब चेंज होगी? हर 6 महीने में। आपकी पेमेंट कब हो रही है? हर 6 महीने में। तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन भी कब कब होगी? 6-6 महीने में। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो आपको IRR दिया गया था वो भी तो 6 महीने का ही दिया हुआ है ना, तो आपने वो एज इट इज यूज करना है पहले, बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा जी, यानी अगर मैं कहूँ कि भाई सालाना मेरा रिटर्न 12% का है, सालाना मेरा रिटर्न कितना है? 12% का, तो सालाना 12% का मतलब ये है कि 6 महीने 6%, अगले 6 महीने 6%, तो कुल मिला के 12%, और आपकी जो कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअली हो रही है, यानी 6 महीने का सूद लगेगा, अमोर्टाइजेशन होगी, यानी यूं कहो कि आपकी अमोर्टाइजेशन एक साल में 2 बार होगी। वैसे होती एक साल में 1 बार, उस सवाल में क्या थी? 1 साल में 2 बार। भाई अब क्लियर है? आसान, जल्दी से। ओके, यानी कंक्लूजन ये निकला कि क्विज के अंदर हमें जो कुपोन दिया हुआ था वो एनुअल था, उसको हमने करना था हाफ ईयरली, ताकि 6-6 महीने में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? एनुअल। अच्छा, और जो IRR दिया हुआ था वो क्या था? सेमी एनुअली, उसको आपको डिवाइड वगैरह करने की कोई नीड नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है भाई? ऑनलाइन वाला क्लियर है? जल्दी से देखो, डिफरेंस आ नहीं सकता आसान, सेम आना चाहिए आंसर, राउंडिंग ऑफ का हल्का फुल्का फर्क होगा वो होगा, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। सेट है भाई, आगे चलें जी। ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो भाई, और कोई सवाल क्विज से रिलेटेड? क्लियर है? PNL वाला गलती से दे दिया होगा उस नशीन ने, आज करेंगे तो वो हो जाएगा, सही है? वो अच्छा हुआ नहीं किया, सही है, अब कर लेना इसके बाद, ये बातें बताया करो मुझे किसी के। आप देखें, आप आज अच्छा हुआ आपने बता दिया, आज अलग बात पे होगा ना। चलें जी, ओके। अच्छा भाई, आज की क्लास में हम देख लेते हैं फेयर वैल्यू थ्रू PNL। ये आ गया जी आपके पास, प्लीज यहां फोकस होके देखिएगा। यहां पर मुझे आप पहले, सबसे पहले ये बताएं, कहा कह रहे हैं क्विज वाली करा दें, बेटा क्लास के बाद करा दूंगा, सोल्यूशन भेजा तो है सोलन ने, उससे मैच करो ना, क्लास वाले क्या करा दें, मतलब ये क्या होता है? सोल्यूशन नहीं भेजे तो अलग बात है, सोल्यूशन भेजा है उसको देखो, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो ना, ये तो तुम बोल रहे सब मैं ही करा दूं, हर चीज मुझसे करवाएगा, मतलब पेपर तो नहीं करूंगा ना मैं तुम्हारा। इधर चलो, दैट सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL। चले जी,
आप मुझे सब गाइड करें इस बात पे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे हम कब आते हैं? जब हमने उसको रखा हो फॉर ट्रेडिंग पर्पस, यानी हेल्ड फॉर सेल। और इसके पीछे की जो दो चुरंगियां हैं उसके अंदर होल्ड टू कलेक्ट या होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, यही है। यानी आप याद करें, होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरे में होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेल, और यहां पे क्या, हेल्ड फॉर सेल। चलिए जी, आई होप आपको ये बात क्लियर है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के मॉडल में कॉन्ट्रैक्ट अलग चलता है और फेयर वैल्यूएशन, योर अमोर्टाइज कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू योर कैरिंग अमाउंट, वो सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। कोई आपसे ये पूछे कि भाई आपने क्यों फेयर वैल्यू को ओपनिंग नहीं बनाया, तो आपका जवाब ये आना चाहिए कि फेयर वैल्यू को ओपनिंग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके ऊपर भी क्या लग जाता, इंटरेस्ट लग जाता, जो कि लगना नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा आसान और इजी मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अभी देख के खत्म करते हैं इसको, फिर पास पेपर्स करेंगे आज। मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि सर यहां पर लिखा हुआ है उमर परचेस 10,000 बॉन्ड्स ऑन जनवरी 1, 2020 फ्रॉम आसिफ लिमिटेड प्रोवाइडिंग अ यील्ड ऑफ 12%। सर ये 12% क्या है? कूपन रेट। फेस वैल्यू ऑफ वन बॉन्ड इज 100 ट्रेडेबल इन मार्केट। चलें जी, वो कह ये रहा है कि भाई रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड इज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो 20, 21, 22 कितने साल? 3 साल। अब क्या ये रहा है कि भाई हमने इसको जो परचेज किया है एट अ प्रीमियम ऑफ, अच्छा रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन होगी 8 रुपए के प्रीमियम पे। यानी अगर फेस वैल्यू इसकी आज है कितनी, 100 रुपए, तो मुझे आप एक बात बताओ, 108 पर रिडेम्पशन होगी, यानी मुझे मिलेगा प्रीमियम। अब आप मुझे इस बात पे गाइड करें, जब मुझे मिलेगा प्रीमियम तो खुदा के वास्ते बताओ क्या ये मेरा एक्सपेंस है या इनकम है? वेरी गुड, इनकम है। अब इस इनकम को मैं आज रिकॉर्ड करूं या ओवर द पीरियड? ओवर द पीरियड आईआरआर के जरिए रिकॉर्ड होगी। अच्छा, आप सवाल में देखें, जनवरी 1 को जो फेयर वैल्यू दी हुई है 112 की है, तो 12 रुपए क्या है? प्रीमियम। अच्छा, ये आपकी जेब से जा रहा है, आप आज इसको कैपिटलाइज करेंगे। अब देखें, दो प्रीमियम है सवाल में, तो इस बात को समझें, दो प्रीमियम है। पहला प्रीमियम जो आपकी जेब से गया है, दूसरा प्रीमियम जो आपको अच्छा जो आज आपकी जेब से गया है उसको कैपिटलाइज करेंगे, और जो फ्यूचर में आपको मिलेगा वो आईआरआर के जरिए एम्बेड हो जाएगा। तो आपको फ्यूचर के प्रीमियम की अभी टेंशन लेने की नीड नहीं है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आईआरआर के अंदर शामिल होगा। यहां तक क्लैरिटी है भाई? चलें जी आगे। फिर हमने ये कहा कि सर यहां पे एक परफॉर्मा बनाए, और हमने कहा हमारे पास जो फेस वैल्यू है वो 100 × कितना हो गया भाई, 1 मिलियन, ये हो गया भाई 1 मिलियन। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे भाई प्रीमियम। अच्छा भाई, प्रीमियम आप देखें तो कितना आ गया, 12 रुपीज, ये कितना आ गया, 1,20,000। तो आपने कहा भाई ये 1,12,000 इज योर फेयर वैल्यू, यही है। चलिए जी, अब तक कोई चीज नहीं है, फेयर वैल्यू निकालने का तरीका सेम है। याद रखिएगा ये वो प्रीमियम है जो आज आपने पे किया है, और आपने इसको क्या किया है, कैपिटलाइज। सर आप क्लासेस का टाइम चेंज कर सकते हैं? सर मुझे फिजिकल क्लास लेनी है। अच्छा देखिए, मैं बिल्कुल चेंज कर लेता, बट मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि हालात भी ख़राब हैं, पर बा खुदा मैं अगर मेरे इख्तियार में होता मैं करता, ड्यू टू ऑफिस में नहीं कर सकता, बस मसला ये है। क्या कह रहे हैं भाई, सुबह नहीं, एमएफए के फौरन बाद तो ऑफिस कौन जाएगा? हाँ तू बोल ले भाई, बोल ना, 9 बजे रख लें। अच्छा लिख ले पर्ची पे, जाते हुए दे दियो मेरे को पर्ची भंगी। चलो कुछ करते हैं, डिस्कस करता हूँ, अंडरस्टैंडेबल। चलो ये एक तो बच्चा कह रहा है एफ ए आर वन को शाम में ले, हमें सुबह बुला लें। अच्छा खुद तुम सब ने एफ ए आर वन सुबह में किया, अब अपनी फायदे के लिए वो सुबह करा दें, ओके वो कर लेते। चले मैं देख लेता हूँ, सुबह, ओके। इधर देखो फेयर वैल्यू आ गया, ये प्लीज इधर फोकस के साथ। अब मुझे एक बात बताएं, आपने इसके लिए पे की होगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अच्छा भाई यहाँ पे हम सवाल में गए, वो कितनी है,
3.5. अच्छा भाई 3.5% लगाएं इसके ऊपर, कितना 39200, ये कितना आ गया जी 1159200. अच्छा भाई ये हो गई कहानी यहाँ पर, याद रखिएगा मॉडल कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। चलिए जी अब इसकी बनाते हैं एक अकाउंटिंग एंट्री। हमने कहा हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे इससे, हाँ भाई क्या लिखा ये ओनली फेयर वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करेंगे पक्का। चलें जी आपने ये कहा कि सर आप यहां पर एक काम ये करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट 39200। चलें जी फिर हमने ये कहा कि भाई अब इसके बाद अगर मैं कैश को क्रेडिट करूं तो कैश क्रेडिट सेम अमाउंट से हुआ होगा 1159। एक चीज समझ आई, बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज मॉडल्स। अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट की बात करूं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है कैपिटलाइज, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की बात करूं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। इस केस के अंदर जब आपका मॉडल ही ट्रेडिंग है तो आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इनकर किया है वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी एक्सपेंस आउट, तो वो आपने इमीडिएटली पीएनएल में चार्ज कर ली। यहां तक कोई मसला? यानी सर यहां पर हम लिख लेते हैं कि हमारी इनिशियल रिकॉग्निशन इज एट फेयर वैल्यू, और बकाया के केस में क्या थी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो दोनों में ये फर्क आ गया। पहले इसको यहां तक लिख लें भाई अपने पास जल्दी से, फिर आगे लेके चलें। चलें जी अभी देखते हैं। हो गया जानी यहां तक? अच्छा भाई अब यहां पर आगे की चीज है, मैंने ये कहा कि भाई अब आपने यहां पे एक काम करना है, आप जरा मैपिंग करें अपना माइंड लगाएं। आपने भी जितने भी मॉडल्स किए मेरे साथ पीछे, आपको याद होगा अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर भी मैं उसको मैच्योरिटी तक रख रहा था अपने पास, आखिर तक हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो मैं कर ये रहा था टेक्निकली कि मैं अपनी एडिशनल लगाई हुई कॉस्ट को अमोर्टाइज कर रहा था, मैं अपनी एडिशनल लगाई हुई कॉस्ट को क्या कर रहा था अमोर्टाइज कर रहा था। अब यहां पर हम यहां पर जब लिंक करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझ आओ, फिर अकाउंटिंग खत्म हो उसकी, सुनिएगा। मैंने कहा चाहे आप अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल पिक करें या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मॉडल पिक करें, दोनों में मॉडल था होल्ड टू कलेक्ट, होल्ड टू, पर एक में मसला यह था कि विल सेल इफ प्राइसेस आर फेवरेबल, तो हमने उसको अलग रखा था पर अमोर्टाइजेशन अपनी चल रही थी। यहां पर तो आप कभी भी बेच सकते हैं, यहां पर तो हम कभी भी बेच सकते हैं, तो वो कहता है कि यहां पर देयर इज नथिंग टू बी अमोर्टाइज, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, आप भी लिख लें, देयर इज नथिंग टू बी अमोर्टाइज। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि मैं अब आईआरआर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अब आईआरआर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। भाई आप मुझे एक बात बताएं, खुद सोचें, एक एक व्यू लेते हैं। आपने कुछ अमोर्टाइज किया, आप अपनी सिक्योरिटी को किस पे लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू पे। वो फेयर वैल्यू गेन कहां जाएगा? पीएनएल में। तो वो कह रहा है कि भाई जब सिर्फ पीएनएल में लेके जाना है तो आपको अब इस केस में कुछ अमोर्टाइज करने की नीड
नहीं है। वो अमोर्टाइजेशन कब एप्लीकेबल होती है? जब आप लॉन्ग टर्म मॉडल पे होते हैं। ये तो आप हो सकता है अगले दिन बेच दें, चार दिनों में बेच दें, पांच दिनों में बेच दें, पर हाँ अगर आपकी इंटेंशन या इंटेंट ही यही है कि आप इसको विद इन द पर्पस ऑफ कि आपने लिया हुआ इसलिए कि आप इसको बेचेंगे, तो इसलिए आपको इसमें कोई अमोर्टाइजेशन करने की बिला वजह IRR निकालने की नीड नहीं है। अगर IRR गिवन भी होगा तो आप उसको क्या करेंगे? इग्नोर। तो यानी IRR का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न। IRR का मतलब क्या होता है? पर वो एक्चुअल रिटर्न तब होता है जब आप ये सोचें आज बैठ के फ्यूचर तक मैं सूद खाऊंगा इससे। पहले बताओ ये बात समझ आई? IRR का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न। IRR का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न। बट वो एक्चुअल रिटर्न मेरे काम का तब है ना जब मैं आज बैठ के ये सोचूं कि आखिर तक सिर्फ इससे क्या खाना है? इंटरेस्ट, और अपना प्रिंसिपल वापस लेके आना है। तो वो जो हमने चीज की थी इससे पहले वो इसलिए की थी क्योंकि हमारे दोनों मॉडल्स के अंदर होल्ड टू कलेक्ट था। होल्ड टू, यहाँ पे होल्ड टू कलेक्ट है या होल्ड टू सेल है? तो वो कह रहा है यहाँ पे आपको IRR की पंचायत नहीं करनी है। तो यहां पे आपने सिंपली सिंपल बुक इनकम यूजिंग कूपन रेट, दैट्स इट। इसके अलावा यहां पे आपको कोई पंचायत करने की नीड नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कल बेच दें, तो बिला वजह इतनी मेहनत करें, IRR निकालें, अमोर्टाइजेशन करें, तो यहां पे उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर अब देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे चलेगी। हमने ये कहा कि भाई अगर मैं देखूं मेरा ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग, और यहां पे आ गई फेयर वैल्यू, आप मुझे देख के बताएं आपने एंट्री बनाई थी ओपनिंग कितना आ जाएगा? 1120000। सर ये ईयर कौन सा है इसमें भाई? 2020। ये आ गया। अब मुझे इंटरेस्ट बुक करना है। अच्छा इस सवाल में देखो आपको मल्टीपल IRR दिए हुए हैं, मैं कह रहा हूं ये क्या हो जाएंगे? इग्नोर, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। अच्छा भाई फिर मैंने ये कहा आपको इस सवाल में कूपन दिया हुआ है कितना? अच्छा एक और मजे की बात बताओ, तुम लोग बताओगे यहां भी समझाओगे क्योंकि लॉजिक्स पे काम हुआ है। इस केस के अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो पहले ही PNL में जा चुकी है तो उसका IRR में एम्बेड होना बनता ही, ऐसा है भाई? देखो IRR में तो तब आएगा ना जब आप कैपिटलाइज करो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इमीडिएटली कहां जा चुकी है? तो भाई इसीलिए कह रहा हूं देयर इज नथिंग टू बी अमोर्टाइज। आपने इसको सीधा कहां फेंक दिया? PNL में। और दूसरी बात वो कह रहा है कि जो आपने प्रीमियम पे किया है जो आपको वापस नहीं मिलेगा, तो जो आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा वो कह रहा है उसको भी अमोर्टाइज करने की कोई नीड, हाँ इवन तो आज आपने कैपिटलाइज किया है बट आप उसको अमोर्टाइज, क्योंकि आज आपने ये तय किया है कि आप उसको रख रहे हैं हेल्ड फॉर सेल। कहानी क्लियर है? पक्की बात है कि यहां पे कोई अमोर्टाइजेशन? जल्दी बताओ ट्रांजैक्शन कॉस्ट IRR में एम्बेडेड है या वो पहले ही जा चुकी PNL में? तो जब पहले ही PNL में जा चुकी है तो देयर इज नथिंग टू बी अमोर्टाइज। हाँ एक चीज बची है, प्रीमियम। वो प्रीमियम भी कह रहा है अमोर्टाइज नहीं करो क्योंकि आपको पता ही नहीं है अगले मरहल में आप इसको बेच दोगे, तो आपको बिला वजह ये क्वारी करने की नीड नहीं है। क्लैरिटी है? चलें जी आगे। फिर मैंने कहा कि सर आप जरा एक काम करें, 12.5% आप लगा के दें मुझे फेस वैल्यू पे, इस पे 12.5% फेस वैल्यू पे, यानी ये तो आंकड़ा ही नहीं बैठ रहा मेरा, 140 कहां से आ गया? 12.5% ऑफ 1,000,000 कितना? 1.25। मैंने ये कहा भाई 1.25 से मैंने यहां पे इनकम बुक की, 1.25 से कैश आ गया, क्लोजिंग विल रिमेन सेम। वो कह रहा है सिंपल आपको वही अमोर्टाइजेशन नहीं करनी, तभी तो आपका प्रीमियम अमोर्टाइज होता हुआ नहीं दिख रहा। इससे पहले वाले मॉडल में आपका प्रीमियम क्या होता था? तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती थी? यहां पे जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, सिर्फ इनकम रिकॉर्ड करो कैश ले आओ, इनकम रिकॉर्ड करो कैश ले आओ, क्योंकि यहां पे सब PNL में जाता है। अब हमने एक एंट्री बनाई यहां पे सर, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से भाई? 1.25 से। मुझे जानी यहां पे क्लैरिटी दो, इससे पहले तुमने जितनी भी एंट्रीज बनाई हैं उसमें आप सब ने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया था, इसमें क्यों नहीं हो रही? साहब खुद कह रहे हैं अमोर्टाइज नहीं हो रही, तभी तो मैंने IRR यूज, सीधा सीधा हिसाब किताब है। बात क्लियर है? चलें जी अब अगर मैं आपसे पूछूं आपका मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू, अभी आपकी इन्वेस्टमेंट कितने पे मौजूद है?
1120 और इसमें से अल्लाह की कसम कुछ भी अमोटाइज तो इतने भी मौजूद है। अब इसको उठा के किस पे ले जाएं? वेरी गुड, हम सवाल में जाए। हमने बोला कि भाई फेयर वैल्यू चल रही है 117 पर बॉन्ड या डिबेंचर, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ अगर मैं 117 को मल्टीप्लाई करूं 10,000 से कितना आ गया? यही है। अच्छा जी, क्या मुझे फायदा हुआ नुकसान? फायदा। तो हमने कहा यहां पर भाई फॉर द ईयर गेन या लॉस। अच्छा जी, कितने का आ रहा फायदा? 50,000 का। इसकी एंट्री क्या बनाएंगे भाई? इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल 50,000 रुपये। यहां तक क्लैरिटी है भाई? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं भाई, ये तो चला गया पीएनएल में फॉर द ईयर का गेन, यहां पर 2021 का ओपनिंग कितना रखूं? फर्क ही नहीं पड़ता, आप इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर रहे, सिंपल रख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट कितना रहेगा? 1.25। पैसा कितना आएगा? 1.25, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी अमोर्टाइज, कुछ भी अमोर्टाइज नहीं हो रहा आपका। तो आप मुझे एक बात बताएं, फिर मैं करूंगा 1.25, यहां पे भी कितना आ गया 1.25, क्लोजिंग कितना आ जाएगा 1170000। ये एंट्रीज हमारी जो थी वो थी 2020 की। अब हम बनाएंगे एंट्री 2021 की। सर आप बोलेंगे कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से भाई? अब एक वो पीछे बैठा हुआ सोचे सर अल्लाह करे फेयर वैल्यू टू पीएनएल आ जाए, कुछ करने की नीड ही नहीं है, पैसा लाओ इनकम, पैसा लाओ इनकम, किस पे ले जाओ? फेयर वैल्यू पे। पर सवाल ये है, एग्जामिनर को ये पूछना चाहिए, करना चाहिए था फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से हो गया फेयर वैल्यू थ्रू करेक्टिंग एंट्री बना के दो। सही है, ऐसा आया एक बार IS1 नहीं, IS8 है ना वो तो, पर वो आपसे डिस्क्लोजर नहीं मांगता, बोलता है करेक्शन ऑफ एरर करके दे दो, जो चौरंगी वहां पे कटा के आए थे वो यहां पे फिर आ जाएगी। तो वो यही वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को डेस्क करता है। बच्चा बोलते चलो भाई एंट्री याद कर ली, उसने बोला तू याद करके आया, अब बता हुआ भाई ये सही कैसे करें? सही है, तो इस बात का ख्याल रखना, हम करेंगे पास पेपर्स, वो हो जाएंगे तुमसे आराम से, पर वो सब्जेक्ट टू तब होंगे जब तुम्हें अकाउंटिंग आती होगी। क्लियर है भाई? चलें जी, आप मुझे एक बात बताएं जल्दी से। सर मींस IRR इज इक्वल टू कूपन? नहीं, तो फिर हर्ट कर रहा ना मेरे को। IRR इक्वल्स टू कूपन, IRR का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न। यहां पे मैं एक्चुअल रिटर्न क्यों नहीं यूज कर रहा? क्योंकि मुझे कुछ अमोर्टाइज करने की नीड नहीं है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में करता हूं। यहां पे मैं तो रखा हुई किसके लिए? बेचने के लिए। तो इवन दो बेचू नहीं भी, तब भी अकाउंटिंग किससे करूंगा? कूपन से। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, इसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है जानी? तो हमने कहा यही है, लॉस आ गया जी। फेस वैल्यू पे, बस वो सिंपल यू याद रखो कि इनकम बुक होगी कूपन से और पैसे भी आएंगे कूपन से, क्योंकि हम कुछ अमोर्टाइज नहीं कर रहे, तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो भी है उसके अंदर वो वैसा ही रहेगा। बिल्कुल सही है। एजेट का कॉलम बनाएंगे। अच्छा, एजेट का कॉलम तब बनाना जब वो आपसे पूछे कि रिटेन अर्निंग में आज तक का कितना इंपैक्ट है। अभी मैं तुम्हें दूसरे साल के आखिर में बताऊं, आज तक रिटेन अर्निंग में 10,000 का लॉस है, ऐसा ही है। तो वो नेट करके आप देख लीजिएगा फॉर द ईयर को। चलिए जी, हमने कहा कि यहां पर पीएनएल में फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट हो गया जानी 60,000 रुपये से, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको वैसे ही पूछ ले तो बना लीजिएगा। चलें जी, हमने कहा 2022 शुरुआत होगी हमारी 1110 इससे, ये आ गया फिर से 1.25, ये आ गया भाई फिर से 1.25, और सर क्लोजिंग कितना आ गया? हाँ जी यही 1100000, ये आ गया जी। अच्छा, अब आपको ये बात तो पता है ना, कोई भी मॉडल हो आखिर में कोई गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचता, अब तो मिलेगी रिडम्पशन वैल्यू, और रिडम्पशन वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो हमने ये कहा भाई ये आ जाएगा हमारे पास लॉस है, ऐसा ही है, कितने का?
बिल्कुल, ये आपने कहा कि भाई क्योंकि आपने ज्यादा पे रखी हुई थी, अब आपको सिर्फ मिलने इतने, आपने बेची नहीं तो अब आपको इतने मिलेंगे जितने एग्री हुए थे। बिल्कुल 108 वाले, क्योंकि आखिर में देखो फेयर वैल्यू भी यही आ रही है, सही है, और आनी भी यही चाहिए ना। रिडेम्पशन पे आपके पास कोई फेयर वैल्यू गेन का पोटेंशियल नहीं होता। अब आप यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे 2022 की, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 125 से, ये भी 125 आ गया, और सर यहाँ पे पीएनएल में फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट कितने से भाई, 30,000 रुपये से। क्लियर है भाई? यानी ऑल टुगेदर सारे मॉडल्स में सबसे आसान कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। नहीं वो तो सही है, पर देखो वो अल्टीमेटली पूरे सालों में रिकॉर्ड हो गया ना। 1080 सर किसके इक्वल है बेटा? 1080 रिडेम्पशन वैल्यू की इक्वल है ना। उसने क्या लिख के दिया था आपको शुरू में? रिडेम्पशन किस पे होगी? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8, यानी 100+8 पे होगी, 108 पे होगी, तो रिडेम्पशन हो भी किस पे रही है, और आखिर में फेयर वैल्यू भी इतनी होगी ना, ये इसके इक्वल है। जी डिस्पोजल आपके कोर्स में है नहीं डेट सिक्योरिटीज का, वरना तो सिंपल जितने भी होगा उतने से आउट करना, कैश ले आना, गेन या लॉस हो जाएगा, वो करेंगे ना जब बेचने पे आएगा, पर खैर वो कोर्स का बात मतलब है ही नहीं ना पार्ट, तो मैं क्यों डिस्कस करूं। सही है। अच्छा एक चीज देख लो इधर प्लीज, इधर फोकस के साथ एक चीज सिखा देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, अगर मैं इसको, प्लीज तुम लोग बताओगे यार खुदा के वास्ते तो सुनना, अगर मैं इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखता तो मुझे इसको आखिर तक लेके जाना होता, मुझे इसको, मैं ये बहुत तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, प्लीज सुनिएगा इधर फोकस के साथ सारे बच्चे, ताकि कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट हो जाओ। इधर देखो मैं कह रहा हूं, क्या इस केस में जो अभी हमने सवाल किया, क्या इसमें मैंने इसको आखिर तक कैरी किया? यस यस, आखिर तक कैरी किया ना, मैंने इसको बीच में बेचा, इवन दो माई इंटेंशन वॉज टू सेटल दीज बॉन्ड्स वेन एवर आई रिक्वायर, ऐसा ही है, तभी मैंने कौन सा मॉडल रखा था, फेयर वैल्यू थ्रू, पर मैंने उसको बेचा या रखा कब तक? मैं आपको ये प्रूफ करूंगा अभी कि अगर मैं आखिर तक किसी सिक्योरिटी को रखूं तो मैं सिर्फ उतना ही कमाऊंगा जितना मैं अमोर्टाइज कॉस्ट में कमाता। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं अगर, साथ बोलोगे, मैं अगर किसी सिक्योरिटी को कब तक रखूं तो मैं सिर्फ उतना ही कमाऊंगा जितना मैं, क्योंकि मेरे पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचता। आओ प्रूफ करके देता हूं, मुझे एक बार बताओ, तुमने उससे एग्री किया 1,25,000 कितने साल? 3 साल। तो मैंने कहा कि भाई मैं यहां पे 1,25,000 रुपए को 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना आता है? 370। आपने प्रीमियम पे किया कितने का? 1,20,000 का। क्या ये आपका एक्सपेंस है? यस सर। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे हो तो खुदा की कसम ये तो वापस नहीं मिलते ना, ऐसा है, और आपको आखिर में मिलेंगे ज्यादा कितने? 80,000 रुपए। तो हम ये कहेंगे कि भाई प्रीमियम रिसीव्ड कितना? 80,000। ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है ना। अच्छा भाई फिर आपने एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या किया है? माइनस किया है ना। अच्छा अगर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस किया है टेक्निकली, तो मुझे एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस करके आपके पास यहां पर कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो वाली? 39,200। अच्छा प्लीज इन सबको नेट करके बताओ, ये जो सारी चीजें हैं 295,800। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखता तो ये कमाता। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये, प्लीज कैलकुलेटर निकालें, एक मैच करनी है चीज यहाँ पर, ताकि आपको ये बता पाऊं कि कोई भी मॉडल पे जाओ गेन और लॉस में फर्क नहीं आता, अकाउंटिंग में फर्क आता है। प्लीज कैलकुलेटर निकालें, मुझे बताएं पीएनएल में ये 3 इनकम बुक हुई है, ऐसा है, तीनों को ऐड कर लें कितना हो गया? 375,000 लिख लिया अपने पास। अच्छा क्या ये आपके पीएनएल में गया?
39200 माइनस करो उसको, फिर से 125 कितनी बार, तीन बार, और 39200 माइनस किया एक बार। यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा आप सिंपल एक काम ये करें, आपके पीएनएल में ये और ये गया, 50,000 को प्लस करें, 60,000 को माइनस करें, 30,000 को माइनस करें, 295,800 आता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई चोरूंगी कोई भी हो पहुँचना ही है, यानी एक लॉजिकल बात है कि आप कोई भी अकाउंटिंग करें, कोई भी मॉडल पे जाएं, अगर आपने सिक्योरिटी को आखिर तक रखा तो आप सिर्फ उतना ही कमाएंगे जितना आपको कमाना चाहिए था, अगर आप सिक्योरिटी को शुरू से आखिर में रखते हो जो आपने सोचा था। बात समझ आ रही है? तो यानी डे वन पे मैंने ये सोचा था कि मैं कितने कमाऊंगा, 295, पर सब्जेक्ट टू ये सोच मेरी यकीन में कब बदलती, जब मैं इसको आखिर तक रखता। क्या मैंने सवाल में इसको आखिर में रखा? यस। तो मेरा गेन इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल गेन कमाने की जगह ही नहीं बचती। क्लियर है? हमने किया क्या, सिंपल हमने किया ये सारे कूपन्स को ऐड किया जो मेरी इनकम के नाम पे बुक हुए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस किया और फेयर वैल्यू गेन या लॉस को ऐड या लेस किया। कुल मिला के जब सारी अकाउंटिंग देखी पीएनएल में क्या क्या जाके गिरा है, क्या वो इसके इक्वल आता है? बात समझ आ गई? यानी सर मैं यही बताना, जब एक बच्चा वैसे ही कंफ्यूज होता कि यार सर इसमें तो गेन्स अलग आ रहे हैं उसमें अलग आते, नहीं तरीका अलग है क्योंकि ये है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, दूसरा था इससे पहले फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। आपको मैं एक बात ये भी बताता हूँ, आप याद करें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी ओसीआई का कॉलम जीरो हो गया था क्योंकि ओसीआई में कुछ बचा नहीं, जो था वो अमोर्टाइज था बस। तो उस केस में भी यही बनता है 295,800। इसी सवाल को अगर तुम लोग फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से करोगे ना, तब भी आंसर क्या आएगा, 295, और ओसीआई का कॉलम आखिर में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोई गेन का पोटेंशियल नहीं बचेगा। पहले बताओ तीनों मॉडल्स में तमीज और तहजीब और फर्क समझ आता है? पक्की बात है, इसको कॉपी कर लें अगर आपने कॉपी नहीं किया जल्दी से। प्रीमियम रिसीव, देखो वो कह ही रहा है कि हम आखिर में जब आपको पैसे वापस करेंगे तो 8 रुपीज पर बॉन्ड ज्यादा पैसे देंगे, तो मुझे आखिर में कितने मिल रहे हैं, 1 मिलियन या 1,080,000, तो 80,000 जो मुझे ज्यादा मिले वो मेरी इनकम है ना। जल्दी से बताओ सब, अगर ये अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल होता तो क्या वो 80,000 भी ऐसा इनकम रिकॉर्ड हो रहे होते, किसके जरिए? पर यहाँ पे मैंने IRR को यूज क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ अमोर्टाइज करने की नीड, पर हाँ वो ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू गेंस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। बात समझ आई? तो इस वाली चोरंगी से उस वाली चोरंगी से दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तरीका कार अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है, बस ये फर्क है। चलिए जी कॉपी करें इसको, ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ कन्फर्मेशन दो, यहाँ तक क्लियर है? एसएन सादिक कह रहे हैं कि सर अगर हम लास्ट ईयर में फेयर वैल्यू 10 होती हम बेच देते। भाई मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर में हो ही नहीं सकती फेयर वैल्यू कुछ और, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू है। एक बंदा लिख के दे रहा पर्चे के ऊपर कि इस दिन पे ये इतने पे रिडीम होगा, क्या कोई तुमसे बेवकूफी करके खरीदेगा महंगा? नहीं, तुम तो बोलोगे बिस्मिल्लाह ये ले कागज का पर्चे, तू 108 रुपये ले ले मुझे 110 दे दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या रिडम्पशन डेट पे कोई फायदा बचता है? तो यही देखा हमने कि कोई फायदा बचता नहीं है। ऐसा क्लियर है? जल्दी बता दे भाई। ओके अहमद, तो ये हमने फेयर वैल्यू टू पीएनएल किया, अभी तुम चाहो तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि जा चुका कॉन्सेप्ट। ये कॉपी हो गया जानी, सबने कर लिया? चलिए जी अब एक प्यारा सा पास पेपर करते हैं, आपका पहला जिंदगी का, ये फर्स्ट 9 का, आई होप यू विल लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। आए जी देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये रहा जी, जी जी बिल्कुल आ गई अशद फजल, वो भेजता हूँ ना PDF, इसको करो जल्दी से। जी बिल्कुल ही आप करेंगे अहमद, पर आप शायद फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने आधे घंटे बाद ज्वाइन की है क्लास।
ओके सही है अहमद। कितने साल की एंट्री मांगी है इसने? बस सिंपल। डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखते हैं फैजान। हाँ बिल्कुल ऐसा है, दोनों अलग अलग हैं। आसान बिल्कुल सही कह रहे हो। दोनों करने हैं ना फैजान? इसमें क्या कोई प्रीमियम वगैरह है? नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। आई थिंक इनिशियल कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 524 रुपये और वो होगी अमोर्टाइज कॉस्ट में, और इनिशियल कैपिटलाइजेशन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में होगी 5 लाख रुपये। 24 नहीं होगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। गुड है, फैजान इसको IRR नहीं कहते, 11% इज बेसिकली योर कूपन रेट। क्या हुआ, ये भी नहीं होता तुम लोगों से? हो गया। चलिए जी, हमने कहा सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट से भाई हमने कहा भाई इसकी सबसे पहले एक्विजिशन डेट आ रही है जुलाई 1, 2018। हमने कहा भाई आप ये देखें कि आपकी फेस वैल्यू इसके अंदर कितनी है, 5 लाख। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी बोली उसने, तो ये आ गया आपके पास 524,000। ये तो आपके आ गई इनिशियल कैपिटलाइज कॉस्ट। तो आपने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये आ गया भाई 524 से। ये सही बनाई थी भाई। चलें जी, फिर आपने कहा कि भाई अब मुझे ऑल टुगेदर पहुंचना है 30 जून 2019 पे, जो आपका ईयर एंड है। तो उस केस में आप बोलेंगे भाई ओपनिंग
इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग. आप क्या कहते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर, इज देयर एनीथिंग टू बी अमोर्टाइज? यस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट. तो आप ये बताएं कि सर आप यहाँ पर ओपनिंग लेंगे, 2019 आपका पहला साल है जुलाई से 2019, क्योंकि ईयर एंड जहाँ पे हो रहा होता है उससे डिनोमिनेट किया जाता है. हमने कहा 524,000. सर रेट ले लेते हैं 11%. हम लेंगे सर यहाँ पर 9.5%. अच्छा, ये रेट कम क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि इफेक्टिव रिटर्न ये है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नेट हुई हुई है, तो इनकम बुक होगी और कुछ ना कुछ हो जाएगा अमोर्टाइज आउट ऑफ 24,000, और वो पूरे टेन्योर में जाते जाते जीरो हो जाएगा. चलें जी, हमने ये कहा कि भाई हमने यहाँ पर रेट पिक किया 9.5% का, कितना आ गया जी? 49780. अच्छा भाई, कैश आपको मिलेगा कूपन के हिसाब से, और वो कितना है? यह आ गया 55,000, और ये क्लोजिंग 6,4,8. अच्छा, वैसे 5 से 6 पे कैसे पहुंच गया अभी? 518,780. ये कौन था वैसे? पता नहीं है. ओके चलें जी भाई, मतलब लगाओ पर ऐसी नहीं कि नशा उतर ही नहीं इधर. चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये आ गया 518,780, पर हियर द एग्जामिनर इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल. वो आपसे मांग रहा है जनरल एंट्रीज, तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे. यहाँ पर हमने ये कहा कि भाई आपके पास कैश रिसीव हुआ 55,000 का, इंटरेस्ट इनकम आ गई 49, और सर आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 5,220. यानी आप कह रहे हैं कि सर वो जो 24,000 रुपये आपने कैपिटलाइज किए थे उसमें से ये अमोर्टाइज हो गया. तभी इस मॉडल का नाम क्या था? अमोर्टाइज कॉस्ट, क्योंकि यू कैप्ट दिस इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस. तो आप आई आर आर को यूज करके अमोर्टाइज करेंगे और आखिर में वो क्या हो जाएगा? जीरो. चलिए सर, ये तो हो गई कहानी हमारी किसके जरिए, अब इसी को करेंगे हम. अच्छा भाई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में. सर मुझे आप एक बात बताएं, इसके अंदर हमारे पास स्टिल जो फेस वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5,00,000 रुपए. आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की कितनी? ये आ गया भाई, आप इसमें एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश. ये आ गया भाई 524,000, ये आ गया 24,000, ये आ गया 5,00,000 रुपये. ये सही बनाई थी भाई, और आई थिंक मुझे इस वाले केस में तो शेड्यूल बनाने की भी नीड नहीं है. स्ट्रेट कहानी है, इनकम एक ही रेट पे बुक होगी, और वो रेट कौन सा है? 11%. अच्छा, 11% किस पे लगेगा? 5,00,000 रुपये पे. तो आप मुझे बताएं सर, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम कितने से जी? आप कहेंगे सर 55,000 से. बस सर ये एंट्री काफी नहीं है, आप इसको फेयर वैल्यू पे भी लेके जाएंगे. तो आप मुझे एक बात बताएं, आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट अभी आ रही है 5,00,000 रुपए, फेयर वैल्यू कितनी है? 480. तो आपके पास सर लॉस आ गया कितने का? तो आप इसकी एंट्री बनाएंगे सर फेयर वैल्यू लॉस इन पीएनएल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. हाँ भाई, आसान था, पक्की बात है. चलें जी, अगला प्रश्न.
बोल रहे ये कोई बिलाल भाई हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं और बोल रहे हैं मेरे हिसाब से ये होता है। हाँ बस बिल्कुल उसको सही करके बताओ कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, बनाओ टेबल वापस से, समरी बना के दो उसको बिल्कुल। पर वो पेपर में भी अगर तुम होते तो ऐसे थोड़ी ना तू पन्ना फाड़ के चिपकाता हो काटता, टेबल वापसी बना दो सही वाला। बिल्कुल ऐसा है, इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए आसान। भाई वो कह रहा है कि अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों आती है। इक्विटी नहीं आती, तो बस वो सही कर रहे हैं आप। बस सेवन मार्क्स आएगा इंशाल्लाह। इस बार वो पूछेगा जीरो कूपन बॉन्ड जो आगे सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं भाई ये गैस है अक्षर, ये गैसेस हैं लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह डब्बा बनाओ और अमोर्टाइज कॉस्ट फिर विल थ्रू उसी आई पी एन एल लिखो और उसमें सही सही चीज़ें लिखो। बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, कैश फ्लो, कैटेगरी, इनिशियल मेजरमेंट, सबसिक्वेंट मेजरमेंट और इसी के आगे सारी कंडीशंस डालो। हाँ भाई हो गया ये, हाँ भाई होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल सही है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है ये बाद में किस पे रखा जाएगा, इनिशियली तो हो गया कैपिटलाइज, सब्सिक्वेंटली किस पे रखेंगे। अच्छा भाई पहले ये बता दो, अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, प्लीज ये बताओ कि यहां पर बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है या ये हटा दें? ये सही हो गया, चलें जी ये फायदा है यहां पर। इधर कैश फ्लो में आ रहा है सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सही है? चलें जी हमने कहा सर ये आपने बोल दिया सही है। कैटेगरीज के अंदर कह रहा है डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, अच्छा भाई सर आप ये कह रहे हैं कि ये हटा दें, क्लियर है? यहाँ तक सही किया था, चलें जी ओके। इनिशियल मेजरमेंट कह रहा है फेयर वैल्यू प्लस, चलो अल्लाह का शुक्र है उसको ये पता था। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, क्योंकि इनिशियली फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट सब्सिक्वेंटली अमोर्टाइज कॉस्ट, कितने लोगों ने सही किया था ये?
कोई वही बात नहीं, आसान था इधर। चलो अब मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर होल्ड टू कलेक्ट, आपने कहा सर एंड सेल, ये हमने सही कर दिया। कैश फ्लो में कह रहा नो कंडीशन, हमने कहा एसपीपीआई आ जाएगा यहां पर, सही एंड सेल ऊपर आ गया ना। चले जी कैटेगरीज बोल रहे सिर्फ डेट सिक्योरिटी, एक्विटी भी आएगी। चले जी अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद यहां पे वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू, वेरी गुड यार ये आ गया। अच्छा भाई फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सर ओनली फेयर वैल्यू का लेस तो तब होता है जब हम बेचें, ऐसा ही है। चलें जी यहां तक भी क्लैरिटी है, ओके। अब वो कह रहा है कि भाई इसमें मॉडल है होल्ड टू सेल, सही है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कौन सी सिक्योरिटी, एक और ऐड हो जाएगी। अच्छा भाई फेयर वैल्यू प्लस ओनली फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंटली, ये सही था, तो इसके नंबर थे 7। मॉडल क्लियर है जी, क्लियर हो गया, ओके जी। हाँ वो उसमें गलती से आंसर आ गया, वो सोले ने बनाया था ना, उसने चस्सी ने क्वेश्चन किया सोल्यूशन डाल दिया था। चलो जी हाँ कंडीशन वाला कौन सा बिजनेस मॉडल, ओसीआई और पीएनएल। अच्छा वो देखो नो कंडीशन का मतलब है, बोल रहा है कि भाई आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कब आते हैं, जब आपका मकसद क्या हो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होगा, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि कंडीशन नहीं है, कंडीशन है। बोला इस मॉडल में आप तब आ सकते हैं जब आपकी नीयत हो, आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट खाना है, पर हाँ यू विल सेल इफ प्राइसेस आर फेवरेबल। तो वो कह रहा है कि नो कंडीशन, हम कह रहे हैं कंडीशन है, कंडीशन किस में नहीं है, पीएनएल में, तो इसलिए हमने कहा वो सही है वहां पर। चलें जी ओके कैश फ्लो एक्सप्लेन कर दूं, भाई कैश फ्लो का यहां पर मतलब यह है कि मुझे जो सामने से रिटर्न्स चाहिए वो किस मद में चाहिए, या तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट खाऊंगा सिर्फ, या तो मैंने उसको रखा हुआ किसके लिए, बेचने के लिए, तो यहां पे आ जाएगा ये, वो कह रहे हैं यहां पे ये वाला कैश फ्लोज में, और ये अटेम्प्ट स्प्रिंग 2020, सही है। पीएनएल में ट्रेडिंग पर्पस, नहीं 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 भाई देखो यार प्लीज फोकस के साथ देखो भाई, पीएनएल के अंदर होल्ड टू सेल मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है, और यहां पे कोई कंडीशन नहीं है ना, सही है। चलें जी अब मुझे एक बात बताएं सर, अब हम लेके चलते हैं इसको फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे, यानी यहां पे आपका सफर खत्म होता है वो वाला कि आपने सीख ली किसकी अकाउंटिंग, इन्वेस्टर की अकाउंटिंग। अब एक क्विक ओवरव्यू, मैंने कहा इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन टू सिक्योरिटीज, एक्विटी, अच्छा एक्विटी सिक्योरिटीज को रखेगा वो फेयर वैल्यू पे, या तो फेयर वैल्यू थ्रू, या तो फेयर वैल्यू थ्रू, या तो वो इन्वेस्ट करेगा डेट सिक्योरिटी में। डेट सिक्योरिटी में कितने मॉडल, अमोटाइज, ओसीआई, पीएनएल, और हमने तीनों की अकाउंटिंग सीखी, तीनों की प्रेजेंटेशन सीख ली। अब हम आ गए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टी के पास जो के है इशूअर, तो लिख ले अपने पास इशूअर अकाउंटिंग, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अच्छा भाई जैसे IRR हम कह रहे थे इन्वेस्टर के लिए उसकी एक्चुअल इनकम थी, यहाँ पे इसका एक्चुअल एक्सपेंस होगा। अभी मैं ब्रीफ करता हूँ उसको हल्का सा। मैंने ये कहा कि भाई इशूअर ये कह रहा है कि भाई आई विल प्रोवाइड रिटर्न ऑफ 12%, ये हो गया कूपन रेट, ये है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय। अब आप जरा बात समझिएगा तो फोकस हो गया। अब इशूअर ने किया ये, इशूअर ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर की, इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर की। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर की इसने कितने परसेंट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये लोगों से पैसे ले रहा है, लॉजिकली समझना,
ये लोगों से पैसे लिए इसने, इसने बोला लोगों मैं तुम लोगों को दूंगा कितने 12%, पर मैं आपसे अगर ये पूछूं इस बंदे का एक्चुअल एक्सपेंस 12% नहीं है, 2% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है जो कि ये आज पे कर रहा है, जो कि ये आज पे कर रहा है, पर वो कह ये रहा है इसको स्टैंडर्ड के जैसे इन्वेस्टर उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करके एक्सपेंस आउट करता है, तुम भी उसको ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करो। तो इन्वेस्टर के केस के अंदर IRR का मतलब होता है उसकी एक्चुअल कमाई, यहां पे IRR का मतलब है उसका एक्चुअल एक्सपेंस। तो कोई आपसे पूछे कि आपने मार्केट से पैसा उठाया, लोगों से पैसा उठाया और आपने उसको ऑफर किया है 12% और आप कहें कि आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर की है, वो भी तो आपका एक्सपेंस ही है ना, तो आपने टेक्निकली लोगों से फाइनेंस ऑब्टेन करने के लिए, लोगों से फाइनेंस ऑब्टेन करने के लिए आपकी फाइनेंस कॉस्ट, एक्चुअल फाइनेंस कॉस्ट 12% है, 12% प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यानी अब समझने की बात यह है कि आपका IRR इशुअर का IRR ज्यादा होगा, क्योंकि इशुअर बुक करेगा एक्सपेंस, इशुअर बुक करेगा, अच्छा इशुअर जब एक्सपेंस बुक करेगा तो वो नॉर्मल 12% के मुकाबले के हिसाब से नहीं करेगा, उससे ज्यादा करेगा। वो ज्यादा क्यों कर रहा होगा? क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी उसके अंदर एम्बेड हो जाएगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी उसके अंदर। अब इन्वेस्टर सोचो, मैं यहां पे कंपैरिजन बनाता हूं ताकि वो लॉजिकली क्लियर हो जाए। इन्वेस्टर क्या बुक करता है? इनकम। वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करेगा तो उस बंदे की इनकम हो जाएगी, तो उसका IRR कम हो जाता है। ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कर रहा है तो इसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट का पे करना इसके IRR को, क्योंकि एक्सपेंस को बढ़ाएगा इसके, क्योंकि इसके लिए एक्सपेंस है उसके लिए इनकम है। तो यूं कहें अभी इशुअर जितने एडिशनल पैसे पे करेगा, बात समझिएगा, इशुअर फाइनेंस ऑब्टेन करने के लिए जितने एडिशनल पैसे पे करेगा उसकी कॉस्ट ऊपर जाएगी, तो उसका एक्सपेंस भी, तो उसका IRR भी ऊपर जाएगा, IRR ज्यादा होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंगली इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर के केस में वो जितनी एडिशनल कॉस्ट पे करेगा उसकी इनकम क्या होती जाएगी, क्योंकि उसके हिसाब से इनकम का सोचो, इसके हिसाब से एक्सपेंस का सोचो। यहां तक क्लैरिटी है? चलो अब एक गेम खेलते हैं, और हो सकता है इसमें दलालत प्रोग्राम हो जाए तो अवेयर रहना, ऑनलाइन मतलब तुम बता सकते हो, प्लीज सुनिएगा। अब मैं ये तुमसे पूछता हूं कि अगर इशूअर ने प्रीमियम लिया है, और जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बीच में नहीं बोलना, फोकस होके, इशुअर ने प्रीमियम लिया और इशुअर ने कहा ये पैसे मैं तुम्हें बाद में नहीं दूंगा, कौन कह रहा है? वेरी गुड। IRR पे क्या इंपैक्ट आएगा? बस सही है, ये बताएगा। हाँ जी, अब इसको तो बोलना दे। हाँ जी तू बोल। अच्छा तूने बोला वहां पे, तो यहाँ पे उल्टा है, इधर नहीं, लॉजिकली बताओ। नहीं नहीं, हाँ जी, IRR पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्वेश्चन ये है कि इशुअर ने सामने से प्रीमियम लिया, यानी 1,00,000 रुपए की जगह 1,10,000 लिए, हम उसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वापस करूंगा कितने, कितने वापस करूंगा, तो यानी ये प्रीमियम रिसीव किया है किसने? इशुअर ने। वो उसको पैसे वापस नहीं देगा। मुझे बताओ इशुअर का IRR ज्यादा होगा या कम? कम होगा। रीजन? बिकॉज उसको रिटर्न, तो उसका जो भी एक्सपेंस होगा उसमें कमी पेशी हो जाएगी। पर इस चीज को भी कैसे रिकॉर्ड करोगे? IRR के जरिए। यानी जो एक्सपेंस ओवर द पीरियड बुक होता वो उतना होगा या उससे कम होगा? क्योंकि टेक्निकली अमोर्टाइज हो रहा होगा ओवर द पीरियड ऑफ बॉरोइंग। ऐसा ही है। चलो गेम समझ आती है, आगे सुनो। बिल्कुल सही कहा ऑनलाइन वालों, आगे सुनो। इशुअर ने डिस्काउंट दिया है, यानी 100 रुपए की सिक्योरिटी है, उससे मैंने 95 लिए और मैंने कहा मैं तुम्हें वापस करूंगा कितने? 100। आप मुझे जवाब दें, इशुअर का IRR ज्यादा होगा कम? ज्यादा, क्योंकि उसका एक्सपेंस। पर यह एक्सपेंस भी वन टाइम बुक होगा या ओवर द पीरियड? बेहतरीन, ओवर द पीरियड बुक होगा। यहां तक कोई मसला? चलें जी आगे सुने, समझिएगा एक और चीज। मैंने ये कहा, अभी समझने की बात है, रिडेम्पशन के ऊपर इशुअर प्रीमियम देगा, गारंटर देगा।
रिडेम्पशन के ऊपर प्रीमियम देगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सर हमारा एक्सपेंस तो IRR भी, ये भी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगा, आपको उस टाइम कुछ करने की नीड नहीं है। चलो आखिरी चीज, सामने इशूअर कह रहा है सामने वाले को, मैं तुम्हें आखिर में पैसे कम वापस करूंगा। IRR क्या हो जाएगा? तो ओवर द पीरियड, क्योंकि मेरा एक्सपेंस कम है तो IRR भी, तो टेक्निकली जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था उससे कम होगा। वापस से रिपीट कर देता हूं, मुझे एक बात बताओ, मैंने टेक्निकली इशूअर होते हुए इन्वेस्टर को कहा आज मैं तुमसे 100 रुपए ले रहा हूं, मैं तुम्हें वापस करूंगा 95, क्या ये इशूअर का फायदा है? क्या ये इशूअर का फायदा है? यस सर, क्योंकि आज मैं 100 रुपीज ले रहा हूं, वापस कितने करूंगा? 95। तो ये 5 रुपए का जो फायदा है ये मेरे ओवरऑल एक्सपेंस को क्या करेगा? कम करेगा। तो जब ओवरऑल एक्सपेंस को वो रिड्यूस करेगा तो मेरा IRR भी कम हो जाएगा, क्योंकि इस केस के अंदर IRR डिनोमिनेटेड बाय एक्चुअल एक्सपेंस और इन्वेस्टर के लिए होता है एक्चुअल इनकम। अब कंक्लूड कर रहे हैं, जितना एक्सपेंस इशूअर इंकर करेगा उससे IRR, और जितना इशूअर को फायदा होगा उससे IRR कम हो जाएगा। भाई बात क्लियर है? पक्की बात है, जानिए अब क्लियर है? पीछे ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, तो फिर सवाल करें जल्दी से। ओके, आगे देखिएगा, पहला प्रश्न आपका इशूअर का लाइबिलिटी का, इधर देखिएगा आप लोग, मैंने ये कहा भाई सबसे पहले आप ये देखें, बाबू लिमिटेड इशूड कितने डिवेंचर? अच्छा, हम इशूअर हैं इस केस में, इशूअर हैं, लिखा हुआ है क्योंकि हमने क्या किए हुए इशू। अब ये एग्जाम में ना आंखें खोल के सवाल को रीड करना, पता चले वहां पे परचेज लिखा हुआ नहीं, उसकी अकाउंटिंग चिपका के आ गए। इशूड मतलब हम इशूअर हैं, क्लियर है? अच्छा जी, आगे, ऑन जनवरी 1, 2020 ऑफ रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ, अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं, मैंने लोगों से पैसे लिए हैं और अब देखना है कि वापस करूंगा अगर ज्यादा तो मेरा IRR क्या हो जाएगा? वेरी गुड यार, आगे देखते हैं, कैरिंग रिटर्न ऑफ 10%, यानी मैंने उसको ऑफर कितना किया है? रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड इज ऑन 31 दिसंबर 2022 एट ट्रांजेक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल। अच्छा जल्दी से सोच के बताओ, वैसे ही IRR ज्यादा होगा या कम? अच्छा, क्योंकि दो एडिशनल कॉस्ट हैं, एक वेरी गुड, एक डिस्काउंट हो गया और एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दो एडिशनल कॉस्ट बियर कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा। खैर, एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है कितनी, जो कि 10% से ज्यादा है। आए जी देखते हैं, इधर मैंने कहा इसकी जानी फेस वैल्यू बताओ कितनी है जी, 10,000 इंटू 100, 1,000,000 आ गई। अच्छा जी, इसमें से आप लेस कर दें भाई डिस्काउंट। अच्छा भाई, डिस्काउंट लेस करेंगे कितना परसेंट, 50,000 रुपये, यह माइनस हो गया, ये कितना आ गया? अच्छा, क्या हम टेक्निकली ये कहें कि मेरे इस इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? 950। फेयर वैल्यू कितनी है? 950। अच्छा आप यही सोचो, यही इन्वेस्टर ने पैसे दिए होंगे, इतने ही हमने पैसे लिए सामने वाले से, ये मेरे बीच में और इन्वेस्टर के बीच का सौदा है, पर बीच में पैसे कौन लेगा? ब्रोकर ट्रांजेक्शन कॉस्ट के पैसे लेगा। अब जरा इस बात को समझिएगा, फोकस के साथ यहां पे एक चीज सीखनी है, मैं यहां पे पार्क कर रहा हूं ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो कितनी दी हुई है? 3%। तो 3% ऑफ 950 कितना? 28500, बस यही है। चलें जी, हमने कहा भाई ये आ गया 28500, मैंने इसको माइनस करवा दिया 5921। अच्छा, मैंने इसमें लेस करवाया, जरा बात समझिएगा, क्योंकि देखें आप अभी बायर हैं या पैसे ले रहे हैं? अच्छा, आप बात समझिएगा, जब वो सामने से आपको पैसे अरेंज करा के देगा ना, तो वो आपको पैसे ही कम देगा, तो इस केस के अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी माइनस होगी, यानी इसको सोचने का तरीका ये। अच्छा उधर सोचो, उधर इन्वेस्टर पैसे देता है तो वो पैसे देगा
ज्यादा, तो हम ऐड करते हैं यहां पे मुझे पैसे मिलेंगे, तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो आज आप जरा ये देखें, खुदा के वास्ते इस बात को समझिएगा, हम आज एक एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट, और यहां पे हमने डिबेंचर पेएबल, ये आ गया भाई डिबेंचर पेएबल क्रेडिट, कितने से भाई 921,500। अब एक चीज सिखानी है आपको, समझ आए वरना रिपीट करवा लेना, तो एक चीज फोकस होके सुनो, फोकस होके। अब मैं ये कहूंगा इसके आगे कि आज मेरी लायबिलिटी की वैल्यू, आज मेरी लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है 921,500। मुझे जो यहां से वहां तक पैसे रिटर्न करने हैं, हाँ जी यहां पे आप बताइएगा मुझे, यहां से यहां तक जो मैं पैसा रिटर्न करूंगा वो क्या है 1,000,000। तो यहां से यहां तक का जो गैप है ना, आपकी लायबिलिटी ग्रो होगी। अब इस बात को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा हाजिर दिमागे रखनी होगी, यहां पे सुनिएगा, वहां का भी बताता हूं यहां का भी बताता हूं ताकि लॉजिकली चलो। इन्वेस्टर जितने पैसे पे करता है क्या करता है, कैपिटलाइज, जल्दी बताओ, इन्वेस्टर जितने पैसे पे करेगा वो क्या करेगा, और वो ओवर द पीरियड उसको एक्सपेंस आउट करके एसेट को कम करेगा। यहां पर उल्टा है, यहां पर अगर मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की है तो मैंने उसको लाइबिलिटी में नेट कर दिया, और मैं ओवर द पीरियड एक्सपेंस ज्यादा बुक करके अपनी लाइबिलिटी को ग्रो कराऊंगा, और लाइबिलिटी ग्रो होते 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 कहां पहुंचेगी 1,000,000 पे, यानी वहां पे एसेट अमोर्टाइज होता है या लाइबिलिटी अमोर्टाइज होगी, यानी लाइबिलिटी ओवर द पीरियड क्या होगी। इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं, आपने FAR 1 में सीखा है प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट, ऐसा है, आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं और उसको ओवर द पीरियड क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, वो अमोर्टाइजेशन होती है। पर यहां पे अमोर्टाइजेशन अलोंग विद अदर रिटर्न्स है, तो यानी अब बात समझते हैं, इस केस के अंदर तुम लोग मुझे बताओगे क्या तुम लोगों ने डिस्काउंट दिया, यस, तुम्हें पैसे मिले, तुमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की, तुम्हें पैसे मिले, तुमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की कम से या ज्यादा से, पर अब तुम इंटरेस्ट बुक करोगे ज्यादा, यानी कूपन से भी ज्यादा, ताकि ओवर द पीरियड तुम एक्सपेंस बुक कर करा के अपनी लायबिलिटी को किस पे पहुंचाओ 1,000,000 पे। यानी टेक्निकली अब एज ऑफ नाउ तुम्हारे पास जो इंटरेस्ट बुक होगा वो एक्चुअल से ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर दो चीजें तुम लोग अमोर्टाइज करोगे, एक डिस्काउंट, दूसरा अब दो एक्सपेंस तुम अमोर्टाइज करोगे अलॉन्ग विद एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहां तक बात क्लियर है, पक्की बात है, जानी पीछे पक्की बात है। अब एक ऑनलाइन का सवाल ले लेते हैं, सर डिस्काउंट इश्यूअर का एक्सपेंस है ना, हाँ जी भाई देखो सवाल आया हसीब का, जल्दी तुम लोग बताओ डिस्काउंट इश्यूअर का एक्सपेंस है, तो वो कह रहा है कैपिटलाइज करें, भाई मैं एसेट है या लायबिलिटी है मेरे पास, तो मैंने लायबिलिटी में नेट कर दिया ना, एसेट में ऐड होता है लायबिलिटी में नेट होता है, ताकि मैं उसको ग्रो करा करा के वहां पे पहुंचाऊं, क्योंकि एक्सपेंस अब मैं बुक करूंगा ज्यादा। चलें जी, सर इन रियल लाइफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट बायर पे करता है इश्यूअर ज्यादा केसेस में, देखो भाई इन रियल लाइफ इश्यूअर बियर करता है, आप एक पास पेपर देखेंगे उसमें सिर्फ किसने बियर की हुई है, इश्यूअर ने, तो अगर वो नहीं बोले तो आपने क्या अज्यूम करना है किसने पे की है, इश्यूअर ने, क्लियर है। अच्छा भाई इन्वेस्टर में डिस्काउंट ऐड होगा ना, सर गलत फजूल बात, इन्वेस्टर में क्या, खुदा के बंदो कैसी बातें कर रहे हो, इन्वेस्टर ने तुम बताओगे मुझे, अब इश्यूअर को भूल जाओ पहले, इन्वेस्टर को जब डिस्काउंट मिला था तो क्या उसने ऐड किया था, उसने भी लेस किया था, उसने भी लेस किया था, बट याद रखिएगा उसका IRR ज्यादा हो गया था, वो उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ था, यहां पे क्योंकि इश्यूअर है तो यहां पे यहां का सोचो, बात क्लियर है। चलिए जी आगे, सर वो जो भी IRR ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी इंक्रीज होगी, भाई आप खुद मुझे बताएं, अगर मेरा IRR ज्यादा है तो मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूंगा 120 का, मैपिंग करते हैं, 100 की जगह कितने का बुक करूंगा 120 का, कैश कितना पे करूंगा 100 का, तो बाकी 20 लायबिलिटी क्या होगी, ये लायबिलिटी वो अमाउंट से इंक्रीज हो रही है कि तुम दो एक्सपेंसेस को और बुक कर रहे हो, एक डिस्काउंट को और दूसरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, बात क्लियर है। अच्छा आप अगर इन्वेस्टर का सोचो तो वो यही कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज करता है, हम यहां पे नेट करके अमोर्टाइज करके लायबिलिटी को क्या करते हैं बताते हैं, भाई बात क्लियर है। अच्छा जी ऑनलाइन वाले जल्दी से कंफर्मेशन दो तो मैं आगे एक चीज कराऊं उसकी, जल्दी से, हाँ जी सारे बच्चे फैजान ओके जी, शहीद ओके, हसान आगे, बाकी भी भाई जल्दी से,
खुदा ओके हो गया जी, बाकी मर गए हो क्या? जल्दी से भाई, ओके एहसन, चलो जी गुड। अब इधर देख के बताएं सर जल्दी से भाई प्लीज फोकस के साथ। मैंने कहा मुझे जल्दी से ये बताओ सर, अगर मुझे ओपनिंग लाइबिलिटी की वैल्यू लेनी है तो आपने कितने पे कैपिटलाइज किया उसको, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया? 921 500, यही है भाई। चले जी, आपने कहा इसके बाद आपका यहां पर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए रेट होगा 13.3441%। कैश पे करेंगे किसके हिसाब से? कुपोन के हिसाब से। कुपोन रेट कितना है भाई? 10%। अच्छा भी प्लीज पहले मुझे तो ये बता दे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है? 122 966। चलिए जी 966 कर लेते हैं उसको। अच्छा भाई, अब जो आप कुपोन पे करेंगे वो कितना है? 92150। ये फेस वैल्यू पे 10%, ये नहीं बनता चसियों, 1,00,000 रुपए। नशा करके अकाउंटिंग कर रहे हो तुम। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश कितना है? 944 666, यही है। इधर देखो बखूबी, आपकी लाइबिलिटी सेम रही, इंक्रीज हो गई है, किस वजह से? एक तो डिस्काउंट अमोर्टाइज कर रहे हो, दूसरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज कर रहे हो, यानी आप इंक्रीज कर रहे हो। अब इसकी एंट्री बनाते तो और क्लियर होगा। मैंने कहा भाई हमारी जेब से कैश चला जाएगा 1,00,000 रुपए का, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा 122 966 से, और आपने कहा कि भाई आपका जो डिबेंचर पेबल है वो कितना है जी? 22 966। टेक्निकली आपने जो डिस्काउंट को और अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पहले दिन पे नेट किया था, अब वो एक्सपेंस बन रहा है, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेस्टर का एसेट होता तो वो एसेट क्या हो रहा होता? कम हो रहा होता, क्योंकि उसका IRR क्या हो जाता? कम हो जाता। क्लैरिटी है यहाँ तक? चलें जी, ऑनलाइन वाले यहाँ तक कोई मसला जल्दी बता दो भाई। हमने कहा ये हमारा ईयर है 2020, अब हम आ गए 2021 में, 944 666। फिर बताओ इंटरेस्ट कितना है? 1260 30। आपने कहा सर ये तो आ गया 1,00,000 रुपए, क्लोजिंग 970 496। हमने कहा 496। अब सर ये हो गई थी हमारी 2020 की एंट्री, हमने कहा 2021 के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया डेबिट 126030, कैश हमारे पास चला गया कितना भाई? 1,00,000 रुपए, और हमारे पास डिबेंचर पेबल आ गया 26030। कितने साल की अमोर्टाइजेशन हो गई? 2 सालों की हो गई सर, 2 साल हो गए। हमने कहा 2022, ये आ गया हमारे पास 970496, इस पे इंटरेस्ट कितना? 129504। तो हमने कहा सर ये आ गया 1,00,000 रुपए, और क्लोजिंग आ गया, हमने टेक्निकली अपनी लाइबिलिटी को 921500 से यहां पहुंचाया ज्यादा एक्सपेंस बुक करके, और वो ज्यादा एक्सपेंस था डिस्काउंट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि वो ओवर द पीरियड एक्सपेंस हो रहा था, और यही इन्वेस्टर होता तो ओवर द पीरियड वो एक्सपेंस उसकी इनकम में नेट हो जाता, ताकि उसकी इनकम क्या बुक होती? कम बुक होती। तो सर हमने ये कहा कि यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैश और डिबेंचर पेएबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास आ गया भाई 129504, हमने कहा 129504, कैश हमारे पास से चला गया 1,00,000 रुपए, और ये आ गया
504। आप सिंपली अगर इन तीनों चौरंगियों को ऐड करें तो ये डिस्काउंट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट के इक्वल बनेगा। चेक कर लो एक बार, बनता है ये सेम एग्जैक्ट वही अमाउंट बनेगी। हाँ भाई, इशुअर का गेम समझ आता है? IRR एक्सपेंस का भाई देखो ऐसा, आप सिंपल ये समझो कि इशुअर के लिए तो जो भी उसकी जेब से जा रहा है वो एक्सपेंस है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इशुअर अगर 10% से यानी कूपन से ऊपर कुछ भी पे करेगा वो उसका एडिशनल एक्सपेंस है। तो अगर मैंने सामने वाले बंदे को डिस्काउंट दिया यानी उससे 100 रुपये के बजाय 95 लिए तो 5 रुपये का मेरा और एक्सपेंस है, तो उससे इशुअर का IRR क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे किए इशुअर ने तो उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस के बजाय डिस्काउंट के अलावा भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पे किया तो उससे IRR क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है हसन? सही हसन, बता दिया खुदा ने, डिस्काउंट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट दोनों को मिला के बिल्कुल सही है भाई। ये मैच होता है ना यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर, ऐसा ही है। चलें जी, एक सवाल आप लोगों के लिए, जल्दी फौरन से। तीन साल यार अहमद जानी, हेजिंग तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है ना। हेजिंग तुम MFM में वैसे ही अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग नहीं, खैर कॉन्सेप्ट सीख लोगे हेजिंग का, बट हेजिंग की अकाउंटिंग तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जानी ये है, इसको मैं बता दूं, 29। अच्छा वैसे ही आपके जो क्विजेज आते हैं वो अलग हैं, इस IFRS 9 के आई थिंक पता नहीं कोई 45 सवाल हैं, कितने हैं देख लेना। तो बीच के सारे सवाल वो आप लोगों पे ड्यू हैं, समझ आ रही है? वो बीच के सारे सवाल जो बीच में नहीं कराए मैंने वो सब आपने ही करना है, प्रैक्टिस के लिए है ना। आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल आज चाहिए होते हैं वो करें, ये ख़त्म करोगे और मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करो। सही है जी, सही है, सही है। ओके अहमद, देख के करना भाई, इसमें प्रीमियम है। हाँ, प्रीमियम तो डेफिनेटली ऐड होगा भाई फेयर वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इस केस के अंदर इशूअर पैसे ज़्यादा ले रहा है या कम? ज़्यादा, तो लॉजिकल सी बात है इसका एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो वो अकॉर्डिंगली देखना। अब हो जाएगा ना, क्योंकि आज मैं पैसे ज़्यादा ले रहा हूँ और उसको आखिर में पैसे दूंगा कम, यानी अब टेक्निकली यूँ होगा कि लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी ज़्यादा पे और वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अब वो आपका फायदा है। सही है, हो गया जानी? गुड यार,
बेहतरीन फैजान। हाँ भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड कर लिया हो? पक्की बात है, होश में हो ना? ट्रांजेक्शन कॉस्ट फेस वैल्यू पे लगती है बिल्कुल, या कूपन की बात कर रही हैं? फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर। हाँ भाई, 3% की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? हाँ जी, ये कितना? 1018। यही है भाई। अच्छा भाई, यानी इसमें आपने ये कहा कि मैंने आवाम से पैसा लिया 1,050,000, जिसमें से ब्रोकर ने इतने डिडक्ट किए, मुझे इतने दे दिए, तो मेरी नेट लायबिलिटी कितनी हो गई? 1018,500। अब याद रखिएगा, 1018,500 में से मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये परफॉर्मा। 1018,500 में से ये हिस्सा जो है ये मुझे वापस नहीं करना, तो क्या ये टेक्निकली मेरी इनकम है? यस, ये मेरी लायबिलिटी को क्या करेगा? पर ओवरऑल इनकम नहीं बुक होगी, आपका जो एक्सपेंस बुक होता वो उसके मुकाबले में कम होगा। यहाँ पे क्लैरिटी है भाई? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं भाई। अब सर मैं यहाँ पे पहले दिन की एंट्री बना दूँ और वो बन गई हमारी कैश डेबिट, और यहाँ पर ये क्या भाई? डिबेंचर है। डिबेंचर पेएबल क्रेडिट 1018,500, और ये आ गया 1018,500। चलें जी, हमने कहा भाई ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग। ओपनिंग कितना आ गया भाई? 1018,500। सर इस पे 9.2657, 9,4371, और कूपन कितना है? 1,00,000 रुपए का। क्लोजिंग 1018,271। चलें जी, आप ये कहेंगे कि भाई इस साल में जो कि 2020 है, आप यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे, कैश हो जाएगा क्रेडिट 1,00,000 रुपए से, और आपने ये कहा कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका आ गया 9,4371। अच्छा, आप देखें 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट बुक होने के बजाय उससे भी कम हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने सामने वाले से पैसे लिए हैं ज्यादा, आप उसको वापस करेंगे तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट कम हो गई है, तो आपने टेक्निकली अब अपनी डिबेंचर पेएबल को रिड्यूस करना है कितने से? 5,629। क्लैरिटी है यहाँ तक? ये सही किया था सबने? ओके जी, गुड। अब हमने ये कहा कि भाई अब हम आ गए 2021 में, 1,012,871, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना? 9,3849। हमने कहा 9,3849, ये आ गया 1,00,000 रुपये। क्लोजिंग 6,720। ओके जी, हमने यहाँ पे एक एंट्री बनानी है भाई, हमने फिर कैश निकाल दिया 1,00,000 रुपए का, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया 9,3849, और डिबेंचर पेबल कितने से कम करें? 6,151। हमने कहा कि सर अब हम आ गए 2022 पे, 1,006720 पे इंटरेस्ट कितना?
चलें जी, हमने कहा ये आ गया 1 लाख रुपए और आखिर में कितना, 1 मिलियन। यहाँ पे हुआ ये कि आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आपके प्रीमियम लेने से क्या हो गई, कम हो गई। तो ओवर द पीरियड जो एक्सपेंस बुक होना चाहिए था उसके मुकाबले में कम हुआ है। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर डिबेंचर पेएबल भी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस और कैश क्रेडिट, कैश कितना भाई 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 93,280 और ये अमोर्टाइजेशन कितनी है 6,720। हाँ भाई ये क्लियर है, पक्की बात है। एक और पास पेपर करें, मजा आ रहा है यार।